माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजो। तो नाज़रीन एक नए ब्लॉग के साथ जी तमाम खिदमत में हाजिर है। तो आज पाकिस्तान में है अरबईन हुसैनी चिलू में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैकुल मौला। तो सबसे पहले जी इमाम ज़बान अल्लाह ताला और आप तमाम के हजूर जो है वो अकीदत और ताज़ियत पेश करते हैं। इस वक्त जी है 1:05 और ये सूरत हाल है। आपका भाई जी अगेन लेट उठा है, उसकी वजह ये है कि रात को मुश्तरक मातम था जी माँ बारगाह नशारी में, जिसका व्लॉग आपने देख लिया। और अगर आपने नहीं देखा तो अभी मेरे चैनल में जाएँ और रात वाला मुश्तरक मातम का जो है वो व्लॉग देख लें। तो जैसे ही घर आए हैं तो सुबह 5:30 बजे तक वीडियो एडिटिंग करता रहा, देन जो है उसको अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। कोई 8 के 9 बजे मैं सोया हूँ और नींद भी जी लाजमी थी तो उसके बगैर नहीं हो सकता था। तो अभी कोई 5 घंटे सोए हैं। जल्दी से चलते हैं जी दस्तिया की तरफ और आपको आज का ये जुलूस दिखाते हैं अरबईन हुसैनी का। इस वक्त जी नमाज का वक्त है और मातमी जुलूस जो है वो नमाज अदा कर रहा है। तो जैसे ही नमाज खत्म हो जाए तब तक हम भी पहुंच जाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना भूले जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी नियाज का भी सिलसिला शुरू हो चुका है बाद नमाज ज़ोहरैन, और अज़ादारान जी माशाल्लाह बैठे हुए तमाम। भाईजान खैरियत अंजाम जो माशाल्लाह वारिस तमाम ज्यादा खारी बचे तो मौके रास्ते जी सारे बंद कर लिए हैं देगो की तरफ, क्योंकि फिर लोग रश वगैरह बना लेते हैं। और आपका भाई जी लेट आया अपने मौके में, तभी अभी थोड़ी बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी देगो तक जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी तो काफ़ी ख्वारी करने के बाद टेंट के नीचे से ही जी आपका भाई आ चुका है। तभी कपड़े जी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो ये सीन है जी किचन के, मैंने कहा आप तमाम को दिखा दूँ। माशाल्लाह जी देगे चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी तो काफ़ी मोमिन जी ताउन करते हैं अरबईन केस नियाज के लिए। और नियाज जी शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पार्सल किए जा रहे हैं जी खवातीन के लिए, जो खवातीन मौकिब के पास जी आ जाते हैं पार्सल के लिए, तो खवातीन के लिए जी शॉपरों में यहाँ पार्सल किया जा रहा है। माशाल्लाह जी नन्ना आज़ादार इससे भी इस साल काम ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तो सीरियस माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम बीफ बिरयानी है या मुर्गम कर देने मिसाल माशाल्लाह दस्तरखान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े अरबईन अलमदार रोड क्वेटा। मौला तमाम खैर हज़रात जिन जिन भाइयों ने भी जी इस काम इस कार खैर और इस नियाज के लिए जी पैसे दिए तो उनकी रोज़ी में बरकत दे और उनका नियाज जो है कबूल फरमाए। इस तरह जी आज़ादारा ने अब अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नियाज का तमाम किया जाता है हर साल बरोज़े अरबईन हज़ारा कब्रिस्तान में, जो कि जुलूस का रूट है। और जुलूस जी यहाँ पे इख्ताम पज़ीर होता है और बाद अज़ नमाज है ज़ोहरैन जो है वो यहाँ पे नियाज शुरू किया जाता है हर अरबईन को। रियाज साहब भी काफ़ी थक चुके हैं माशाल्लाह से। इस साल रियाज साहब अपने छोटे से बेबी को भी लेके आ गए हैं जी नन्हे जवार को, और इनसे भी खिदमात ले रहे हैं। तो मौला कबूल फरमाए,
de zindagi tu barkat bida va kamyab bash inshaalloh. Chiqdisana. Xayr xayr. Hamma dostu. Bastaqdan beraber bulay. Buri. क्यों मैंने खलता है जी जान मान अमीर वहाँ को बखाल बेहतर में एक बार सर जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बाकी के देगे भी आ गई हैं नियाज के हमारे मौकेब के हमारे दस्तरखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और ये फाइनल है और भी आ रहा है गाड़ी आ रहा है तो बाकी गाड़ियाँ भी जी आ रही है नियाज के फिलहाल ये सिस्टम है और इस साल जी सिर्फ बीफ और चिकन जैसा कि आपको अंदर बता दिया था तो उसी का इंतज़ाम किया गया है माशाल्लाह से अभी अगर मातमी हमें रास्ता दे दे जी रास्ता सारा ब्लॉक है और देगे ले जाने का कोई रास्ता भी नहीं है अल्लाह जाने तो ये बारा
قبول كنا ما شاء Gracias.
जोर बच्चे बोला कबूल कर बोला कबूल कर